स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोट जेट होम में। आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 200 प्लस जीके क्वेश्चन, और ये उस सीरीज का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट वन इसका कंप्लीट करवा रखा हूँ, जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लगाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, जाइए वीडियो देखिए, और वीडियो एंड होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 सेकंड का वक्त मिलेगा, और वीडियो खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है इसके लिए। आपको तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ये भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 52वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 4 सेकंड का आपका वक्त मिलता है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किन्हें देगा? तो इसका आपको राइट आंसर पता ही होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है, आपको बताना है इसमें से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, इसलिए आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वृक्षरोपण उत्सव जिन्हें वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, KM मुंशी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके लिए आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अक्टूबर से नवंबर में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ताजमहल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है इसमें इसका आंसर कौन सा है, 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, जो ताजा पानी की झील है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है आपको बतानी है, 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? आपको इसके लिए 4 सेकंड मिलते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। लखनऊ जो है पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग ज्वार सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है इसके लिए, आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? आपको इसके लिए 4 सेकंड का वक्त मिलता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, इसके लिए आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, 28 फरवरी 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है इसका आंसर, 4 सेकंड आपको मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में स्थित है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नदी किस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, भारत में सबसे जो ऊंचा बांध है भांगड़ा किस नदी पर बना हुआ है आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसमें आपको पता होगा हॉकी राष्ट्रीय खेल है, बट अगर ऑप्शन में अगर इसमें से कोई नहीं आता है, ऑप्शन में अगर हॉकी भी होता है और कोई नहीं होता, तो आपको कोई नहीं पर टिक करना है। हमारा राष्ट्रीय खेल इसमें से कोई सा भी नहीं है वैसे बता दूं मैं, ठीक है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हॉकी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में हॉकी भी आता और कोई नहीं भी आता तो कोई नहीं पर क्लिक करते, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा है एक, क्या है आपको बताना है, मौलिक अधिकार है या फिर नागरिक अधिकार है, राज दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूलभूत अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगणमन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? रेशियो आपको बताना है हमारे ध्वज की। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3:2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72वां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ताकत और साहस दर्शाता है वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है। तो इसका आप राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शांति और सत्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो इसका पता ही होगा आपको, 24 तिल्लियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75वां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो 20 का राइट हो जाएगा विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76वां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? आपको इसके लिए 4 सेकंड का वक्त मिलता है। तो बताता हूँ मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 111। क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ। जो हमारा तिरंगा होता है, झंडा होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा झंडा है, ये हमारा प्यारा झंडा है, ठीक है, जो इसमें हमारा जो तीन पट्टियाँ होती है, ये केसरिया रंग का ये पट्टी है पूरी, ये पट्टियाँ और ये पट्टियाँ किस रेशियो में होती है? ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा था, तो 1:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसको बी राइट है इसका, 3:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था आपको बताना है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए। तो बताता हूँ मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्यजीत रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतखंड भारत का क्या है। भारतखंड भारत का क्या है, दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है या अन्य, आपको बताना है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दूसरा नाम है भारतखंड भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और इसकी स्थापना किसने की थी, कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ए ओ ह्यूम ने स्थापना की थी। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी, आपको बताना है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। 4 सेकंड का वक्त मिलता है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1916। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस राजा से है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस राजा से है, आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है इसके लिए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भरत चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको बताना है। और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरावली पर्वत श्रृंखला, सबसे प्राचीन श्रृंखला है। और नवीनतम है हिमालय, हिमालय क्या है, नवीनतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको। तो बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जाएगा डी, मध्य प्रदेश का राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी। ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी, ठीक, किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी जी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 सेकंड का वक्त मिलता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1981 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको। तो बताता हूं मैं इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में फुलखर झील स्थित है। भारत में किस राज्य में फुलखर झील स्थित है, आपको बताना है। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको बताना है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए। तो बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको। तो इसका आपका राइट आंसर बताता हूँ मैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर, मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो जो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको।
तो बताता हूँ मैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार से जोड़ता है तुर्चो दर्रा। ठीक है, याद रखना आप इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है? 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजंता पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? 4 सेकंड का वक्त मिलता है आपको इसके लिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? 98 में 3 ही ऑप्शन है, आपको आसानी होगी आंसर देने में, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे। और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये इस पार्ट का, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है आपको बताना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 228 राजमार्ग हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।